हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ लेमन चिकन विद ब्लैक पेपर। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। तो चलो आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ लेमन चिकन विद पेपर की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बना रही हूँ लेमन चिकन विद पेपर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जिंजर को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ मैंने ले लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर 1 चम्मच, 3 से 4 5 मैंने ले लिए हैं यहाँ पे ग्रीन चिली, और लेमन 1 ले लिया मैंने, उसको बीच में से काट लिया है। यहाँ मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, जिसको मैंने एक बर्तन में अब डाल दूँगी। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ चिकन डाल दिया उसमें। तो इसको मैं मैरिनेट करूँगी अभी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस। यहाँ मैंने 1 लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। ग्रीन चिल्ली पाउडर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने ले लिया है कर्ड, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसको आधे घंटे के लिए मैं इसको फिर मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ कढ़ाई पर मैंने रख दिया एक पैन गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ करा है। इसमें अब डाल दूँगी मैं 1/2 बटर। ऑयल में अगर हम बटर डालेंगे तो अगर तो हमारा बटर जलेगा नहीं, तो मैं इसको पिघलने दूँगी। और यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसको 1/2 घंटा हो गया है मैरिनेट के लिए मैंने रखा था। अब मैं 1 by 1 पीस मैं इस पैन में डाल दूँगी और इसको फुल फ्लेम पर पकाऊँगी। तो यहाँ फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है और सारे पीसेस को 1 by 1 मैं इसमें डाल दूँगी। देख सकते हैं आप, अब मैं फुल फ्लेम पर इसको 1 मिनट तक पकने दूंगी और उसके बाद मैं इसको 1 by 1 पीसेस को मैं इसको पलट दूंगी। तो आप देख सकते हैं एक साइड से हमारे पीसेस ब्राउन हो चुके हैं। मैंने इसको ब्राउन होने तक पकाना है दोनों साइड से घुमा घुमा के। तो ये एक साइड से हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो ऐसे मैं सारे पीसेस को पलट लूँगी। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकने दूँगी। फ्लेम को मैंने फुल ही रखा है यहाँ पे। तो इसको 1.5 मिनट हो चुका है पकते हुए। अब मैं दोबारा इसको अलट पलट कर पकाऊंगी। तो यहाँ पीसेस को मैंने दोबारा से पलट दिया है, देख सकते हैं आप। इसको हम हल्के हाथों से धीरे धीरे करके हम एक एक पीस को हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन बिल्कुल यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे दही की ले ली है। अब मैं इसमें कर्ड डाल दूँगी।
थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें जिंजर, जो मैंने स्लाइसेस काटे थे जिंजर के वो पीसेस मैं यहाँ डाल दूंगी। और मिर्ची को मैंने, 5 मिर्ची को मैंने बीच में से कट मार दिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी अब मैं। और मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगाकर मैं स्लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी 10 to 15 मिनट। तो मैंने यहाँ ढक्कन लगा दिया है, अब मैं इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है। तो इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो इसको मैं पहले अलट पलट लूँगी ताकि हमारा जो चिकन है वो नीचे जले ना एक साइड से। तो इसको मैं पलट लूँगी और मैं इसको अब दोबारा 5 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा चिकन आप बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है जो हमारा दही ने छोड़ा था उसको अच्छे से ड्राई कर लूंगी मैं। तो देख सकते हैं चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब मैं करूंगी इसको गर्मा गर्म सर्व। तो चिकन बहुत अच्छे से हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करूँगी। तो मैं उसके और चटपटा बनाने के लिए इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है ब्लैक पेपर, स्लाइसेस डाले हैं मैंने उस अदरक के, इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी ग्रीन हर्ब्स, ब्लैक पेपर डाल दूंगी मैं साथ ही। तो हम ब्लैक पेपर मैंने एक चुटकी भर ले ली है और यहाँ मैं ग्रीन चिली, अनियन और लेमन के साथ इसको कर रही हूँ सर्व। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।